अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर ऐसे होंगे। अल्लाह की फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा ग्रेवी रेसिपी, तो प्लीज़ एक दफ़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए लिया है मैंने एक टमाटर, एक प्याज, दो लाल हरी मिर्ची, सॉरी इसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सी में। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने पीस लिया, और इधर मैंने अंडे उबाले थे, ये 5 अंडे, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इधर लिए है मैंने 2 तेज़पत्ता, ये मैंने धो लिया। इसको अंडे को हम अब तल लेते हैं फ्रेंड्स। तेल मैंने गरम कर लिया पहले से, इसमें मैं अंडे डालूंगी और अंडे डाल के मैं इसमें से तलके से निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंडे डाले थे, अंडे अब निकाल लेते हैं इसमें से हम। देखिए फ्रेंड्स, इसी तेल में हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ते। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपको मसाला दिखाया था, प्याज, टमाटर, 2 हरी मिर्ची, वो मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। मिर्ची हम कम डालेंगे क्योंकि हमने गरम मसाले भी डालना है और लाल मिर्ची भी डालना है पिसी हुई, और हमने हरी मिर्ची है। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 स्पून से कम हल्दी, 1/2 स्पून हम मिर्ची डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, 3 चम्मच धनिया, ये देखिए, और 1/2 स्पून गरम मसाला और नमक 1/2 स्पून। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और मैं ला रही हूँ अदरक लहसुन, वो भी हम डालेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड, 2 चम्मच मैंने चाय वाले अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। इसको हम अच्छे से भून देंगे और ये बहुत मज़े का बनता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादातर हम देखते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनकी ग्रेवी कितनी अच्छी होती है फ्रेंड्स, तो आपका भी ऐसी बनेगा फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से भून गया। अब इसके अंदर मैं अंडे डाल दूँगी अपने। अगर आप मसाले के साथ अंडे बनाते हैं ना, मतलब अंडे उबले हुए डाल देंगे, उसके अंदर मसाला घुस जाता है फ्रेंड्स, तो बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, 1/2 कप, बस इतना। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अंडे को उसके साथ पकने देते हैं ग्रेवी के साथ। तो अच्छे से पक जाएंगे अंडे हमारे, उसको 5 मिनट हम ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अंडा ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस बंद कर दिया, इसके ऊपर डाल देंगे हम हरा धनिया। अब हम सर्व कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये अंडा ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई बनने के बाद। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, और ये बहुत मज़े की और यमी बनी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।